आज तक कवर ड्राइव्स किसकी, बहुत बहुत अच्छी अभी रिसेंट तो बाबर आजम कोहली, ठीक है यही है ना, पहले गंगोली मारा करता था लेफ्ट हैंडर कवर, गंगोली कहते थे यार फील्डर ऑफ साइड पे खड़ी कर दो फिर भी क्या, वो एक ग्रेस शॉट डिविलियर्स ने इनोवेशन की, वो 360 लेके आया दुनिया में, ये बात सब जानते इस बात को मानते हैं, लेकिन ग्रेस मैं उसकी खूबसूरती से कह रहा हूँ, अब जिस तरह वो स्काई है वो तो अन्ने वहाँ मारता है ना, उसकी टांग किधर है, ये किधर है, वो किधर है, और जो जिस तरह वो मारता था ना ये डिविलियर्स, ये आराम से बैठ के ये मारा, मतलब वो टाइम लगा ना उसकी, वो टाइम लगा है, उसकी टेक्निक बनी है, ठीक है उसकी टेक्निक बनी, उसको टाइम लगा शुरू में, तो जब वो भी आया था तो आप निकालो उसकी अर्ली इनिंग्स कितने मारे होंगे, पैसेज ऑफ टाइम आप एक शॉट पे पक्की हो जाते, पट शॉट बन जाती है, ठीक है, वार्नर तो लेफ्ट राइट होके मार देता है, मारता है, पर वो उस तरह वो उसकी पैट शॉट है ना, क्लास तो नहीं है ना, मतलब देखने तो में मेरे का क्लास है, मैंने नहीं कहा यही, हम कह रहे हैं ना यही, अगर शॉट जो एबी डिविलियर्स में जो स्काई मार रहा है, जो एबी डिविलियर्स मारे वो तो डिफरेंस है, हां डिफरेंस है, एक बंदे ने स्टार्ट की वो शॉट, वो इनोवेटर है, ठीक है, उसने इनोवेट किया नया एक शॉट, फिर वो उसको इन्वेंटर भी कह सकते हो आप, कि उसी की तो ये लाई हुई है, तो उसके तो वो तो कॉपीराइट्स है, डिविलियर्स जो था स्टार्टिंग में प्रॉपर बैट्समैन था, हिटिंग पे वो बाद में आया, डिविलियर कभी भी तो स्लॉगर रहा ही नहीं है, डिविलियर बैट्समैन था, उसके टेस्ट में इतने प्यारी इनिंग्स है, स्काई स्लॉगर किस्म का लगता है, टेस्ट एवरेज 50 किया मेरे ख्याल में डिविलियर्स, तो बहुत अच्छा प्लेयर था, बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन जो ग्रेस की बात कर रहा है लारा ग्रेस है यार, वो तो और लेवल था ना, वो तो आप उस पे चले जाओ, ग्रेस की तो बात 360 की बात करो तो एबी डिविलियर्स जो है 360 में तो पाई नहीं के बाकी और कोई प्लेयर है, 360 तो डिविलियर है, ये खूबसूरती की बात, मतलब ई चल लेकिन लड़का बहुत इम्प्रेसिव है, तूने मुझे बताया था मैंने जब उसको देखा, क्योंकि मैंने उसकी इनिंग्स, हाँ वो बहुत अच्छी है, बहुत कॉन्फिडेंट है, और ही इज अ डिफरेंट प्लेयर, अच्छा उसकी सबसे अच्छी शॉट ना वो उसकी स्काई की, वो उसका मिड विकेट का फ्लिक है, एक वो फ्लिक करता है मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से, ये हल्की सी रिस्क को दे दे, वो उसकी सबसे प्यारी शॉट है, हालांकि वो तो एक नॉर्मल शॉट है, लेकिन जिस तरह से वो, जिस तरह कोहली ड्राइव में एक झटका देता है ना एंड पे लाई यूज करके, डिफरेंट हो जाती है बाकियों से, और वो इतनी फ्लिक, वो उसकी केएल राहुल जो है ना उसकी बहुत, वो और है वो स्क्वायर लेग वाली, वो स्क्वायर लेग, मैं स्क्वायर लेग नहीं कह रहा, ये मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान वाली खेलता है, देखी हुई है ना तुमने वो शॉट, वो भी, और आप देखो कि वो जो छह मारता है लड़का, वो बिल्कुल इतना ईज से मारता है ना छह कि यार कोई टेंशन ही नहीं है, अभी इसमें कोई अभी स्काई ने वो नहीं किया 360 पूरा है भी नहीं, क्योंकि स्काई ये वाली नहीं मारा जो डिविलियर मारता था थर्ड मैन और कीपर के बीच में से, वो भी अभी स्काई ने फास्ट बॉलर, बात ये है कि लेकिन ये है कि ही इज अ वेरी गुड टैलेंट, वो गिल भी बड़ा अच्छा टैलेंट है, नहीं गिल बहुत प्यारा, वो अच्छा, वो ग्रेसफुल है, वो अच्छा है, वो जिसने एकदम बैक फुट पे आके, मुझे वो पॉइंट पॉइंट नहीं पसंद, पॉइंट बेचारा एक्सीडेंट में भी बड़ा, पता नहीं है, बड़ा सीरियस, वो सिर्फ पता नहीं क्या थे कि पता नहीं पॉइंट का एक्सीडेंट का नहीं, हां वो पॉइंट तो मेरे ख्याल से मर सुसर को इंप्रेस कर रहे, मरते मरते बचा पॉइंट, पॉइंट का बड़ा एक्सीडेंट, बहुत बहुत उसकी गाड़ी का हाल देखो क्या हाल हुआ, बंदा कहता है बच कैसे गया, एयर बैग शेक्स की वजह से।